तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं गेट के अंदर। गाइस देखें बारिश हो रहा है, तो आज सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कर लेंगे, क्लास नहीं जाने वाले हैं। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो यार ये ब्लॉग शूट करने का यही पर्पस है क्योंकि हमारे एक भैया हैं जो कि यूपी में रहते हैं गाजियाबाद में, तो उनकी दो बहन आ रही है, तो हमारी भी बहन हुई ऑब्वियसली, तो वो आ रही है, तो उनको एडमिशन लेना है एलन में। तो अभी उन्होंने बोला कि जाके संकल्प में पता कर ले अमन, तो मैं अभी जाऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको मौसम बाहर का दिखा देता हूँ। चलिए पहले मौसम देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्यों क्यों मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये हमारा छत है, देख रहे हो बारिश, इसके वजह से मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भैया बोले थे चले जाओ अमन आराम से, तो अभी बारिश हो रहा है तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है यार। तो अभी आधा घंटा हो गया, अभी तक बारिश ही हो रही है यार, तो अभी कैसे जाऊँ। उनकी बहनें कल आएगी, तो उन्होंने बोला आज जाके सारा चीज़ पता कर ले, अचीवर और इनका मतलब 11th क्लास का नर्चर का, तो मैं सर जाऊँगा पता करूँगा। भैया बोल रहे थे यार पैसे भेज देता हूँ UPI से, UPI भेज दे, बोले अरे भैया यार इतना भी हो नहीं है, और अभी थोड़ा है दिक्कत है, कोई बात नहीं, फिर भी ये सब सही नहीं लगता है कि हाँ पैसे भेज देंगे ये वे। अब है चले जाऊँगा बाइक से या फिर ऑटो वगैरह से, ओमकार वगैरह आएगा तो आएगा, अगर बारिश होते रह जाएगा, लेकिन काम तो करना है। अगर बारिश होते रह जाएगा तो फिर ऑटो से जाऊँगा मैं, ऐसे ओमकार को बोला हूँ कि आ जाने, देखते हैं। और हाँ यार, मैंने YouTube वालों को मतलब ट्वीट किया था रिगार्डिंग, मतलब ये कम्युनिटी पोस्ट के रिगार्डिंग, ऑन नहीं अभी तक हुआ है, तो मैंने उनको ट्वीट किया है, तो उन्होंने मतलब मैसेज भेजा है, मतलब रिप्लाई किया है मेरे ट्वीट का। उन्होंने बोला कि मतलब कोई भी स्ट्राइक नहीं रहना चाहिए, एक से ज़्यादा स्ट्राइक नहीं रहना चाहिए चैनल पर, तो अपने तो कोई भी स्ट्राइक है नहीं, और अपने कोई हेटर्स वगैरह तो है नहीं, और हैं तो फिर निपट लेंगे यार। भैया ने बोला कि जाके संकल्प में पता कर ले एडमिशन वगैरह का, तो फिर मैं अभी जाऊंगा, अभी तो बारिश रुक जाए फिर उसके बाद चलते हैं, तो सारा डिटेल्स वगैरह पता कर लेंगे कि नर्चर और अचीवर्स का कहाँ क्लास लगेगा। ऐसे जहाँ तक मुझे पता है कि अचीवर्स का तो यहाँ लगेगा सत्यार्थ के पास जवाहर नगर में, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, उन्होंने बोला कि कुनाड़ी में शायद लग रहा है इस बार, नए बैचेस जो आ रहे हैं नए बच्चे, तो देखते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं। और हाँ यार, मैंने एक चीज़ नोटिस किया अपने लाइफ में कि जब आप कुछ भी नहीं रहोगे तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। जब अभी देखो मेरा YouTube ग्रोथ थोड़ा बहुत करने लग गया है, तो सारे लोग बोलते हैं कि अमन के ब्लॉग में आऊँगा, किसी दिन अमन के ब्लॉग में आऊँगा, तो सोच ही सकते हो आप लोग का बस प्यार है ये, बस ऐसा ही बनाए रखिए। तो गाइस अभी फाइनली बारिश समाप्त हो गई है, तो अभी भैया ने यार क्या ही बोलूँ, भैया को मना किया था मैंने कि अरे यार मत डालो, फिर भी भैया ने यार डाल दिया 200 रुपीज़। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं फिर भैया का काम वगैरह करते हैं, तो उसके बाद उनकी बहन कल आएगी, तो होटल वगैरह भी देखना वहीं पे जो पास में, अगर कहाँ उनका सेंटर वगैरह पड़ेगा तो मैं देख लेता हूँ। फिर चलते हैं, अभी बारिश हल्का हल्का अभी हो रही है, फिर भी चलते हैं ऑटो में आराम से, फिर उनका काम कर लेते हैं, तो चलिए। सो गाइस फाइनली बारिश हो चुकी है समाप्त, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उसमें हम लोग चल लेंगे। 8 बजे तक रहता है एलन का एडमिनिस्ट्रेशन ओपन, तो तब तक चलते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, भैया को बताना भी है, और चलते जल्दी से ऑटो लेते हैं फिर निकलते हैं हम लोग। You believe me, that I'm a lonely soul, would you love me? I've been searching. So guys, मैं अभी संकल्प बिल्डिंग के पास आ चुका हूँ, अब अंदर चलते हैं इंक्वायरी करते हैं, अभी जस्ट बच्चों लोग का छुट्टी हुआ है। चढ़ा दो ना सर, चढ़ा दो, हाँ ये नंबर प्लेट दिखा दें। सर बेलेनो चला रहे हैं कि क्या चला रहे हैं? मर्सिडीज लेके आएगा तो उड़ जाएगा। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं गेट के अंदर। अरे यार ये तो सर लोग उड़ गए लगता है। मैम के सामने कैसे बनाऊंगा मैं? इसके ऊपर चले किधर? चलिए अब अंदर चलते हैं। गर्ल्स जो भी है।
बच्ची कल आएगी सुबह इधर कब लगेगी मैम? और एच वन मतलब दो मैम दो दो बहन है, मतलब एक को अचीवर में डलवाना है, एक को इलेवेंथ में डलवाना है। और इसी साइड लैंडमार्क या फिर इसे मतलब दोनों तो गाइस अभी जस्ट बात किया मैम से, तो मैम ने बोला इलेवेंथ का सुपत में चलेगी जो कि 12 रोड पे है, और ये जो है 12 मतलब अचीवर की वो चलेगी समुन्नत में जो कि है जवाहर नगर में। तो चलिए अभी भैया को बताऊँगा मैं फ़ोन करके। सो गाइस भैया ने अभी बताया कि जैसा कि उनके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उन्होंने बोला कि होटल वगैरह देख ले अच्छा सा, तो अभी मैं जवाहर नगर चलता हूँ देखता हूँ, क्योंकि समुन्नत के आसपास ही क्लास लगने वाली, समुन्नत में ही क्लास लगने वाली है अचीवर्स की। तो चलते हैं अभी, होटल वगैरह बुक करते हैं, उनके पेरेंट्स आ जाएंगे।